हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना पुस्तक मेले में और हमारे हाथ में जो बुक है उसका नाम है सैदपुर से बेउर। सैदपुर, हम आपको बता दें, सैदपुर पटना में एक हॉस्टल है स्टूडेंट्स का और बेउर जेल। बेउर जो है, बेउर एक जगह है जहां जेल है सरकार की, वहां कैदी रखे जाते हैं और इस पुस्तक के लेखक अंशुमान हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर सैदपुर से बेउर की कथाएं उन्हें क्यों कहनी पड़ी। अंशुमान जी, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। ये बताइए कि आपने जो ये बुक लिखा है सैदपुर से बेउर, तो ये पहले तो ये बताइए कि ये कैसे, मतलब आपको विचार आया कि इस तरह की पुस्तक लिखा जाए? क्योंकि सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके नेटवर्क चैनल को, और मैं ये अपनी बात इसलिए मैंने किताब में लिखा कि पहली बार मेरी ज़िंदगी की छात्र राजनीति में पहली बार मैं जेल गया था, जिससे मैं काफ़ी डरता था। मैं एक अदना सा गांव से शहर पढ़ने आया और एक पटना विश्वविद्यालय का छात्रावास लेना चाहा। ऐसे पे तो सदियों से वो बदनाम रहा है, लेकिन पहले IAS के नाम से बदनाम होते थे, अब गोली और बंदूक से बदनाम रहते हैं। तो हम किसी तरह से वहाँ से, परिवार के ने वहाँ पर मुझे अलॉट करवाया। अच्छे रूम थे, सस्ते में अच्छे रूम मिल जाते थे, तमाम तरह की सुविधाएँ होने के बावजूद मैंने उस रूम को लिया। एक दिन यह हुआ कि लड़के वहाँ बार बार लड़ाई कर देते थे, विश्वविद्यालय के प्रशासन को ही वहाँ मदद नहीं कर पाते थे, और सब वो लोग वहाँ जाति के नाम पर लोग, हर एक विश्वविद्यालय के मैंने हर एक हॉस्टल बटे हुए थे, फलना जात का तो वो हॉस्टल है, फलना जात का वो हॉस्टल है। मैंने पढ़ाई के रेशियो से नाम और पोलिटिकल लोग ज़्यादा भरे पड़े थे। हमने वहाँ लिया और एक दिन रातों रात छापामारी किया, जबकि हम बाहर में परीक्षा देकर आए थे, और रातों रात छापामारी किया तो हमको पकड़ के पुलिस काफ़ी पीटा भी और कहा कि तुम बम बनाते हो। बच्चे वहाँ पर बहुत सारे शरारती तत्व थे जो विश्वविद्यालय के नहीं थे, विश्वविद्यालय के कमजोरी के कारण असामाजिक तत्व भी रहते थे, वो गलत काम करते थे, लेकिन बदनाम वो हो जाते थे जिनके नाम पर रूम होता था। तो हमको जेल, जब जेल जाने लगी तो हम अंदर से बहुत डरे हुए थे, भयभीत थे। पुलिस भी हमें, क्योंकि बिहार में इलेक्शन था और बाहर से पुलिस वाले काफ़ी बच्चे को मारते थे, उनको दया और मोह माया नहीं था कि मैं किस बच्चे को मार रहा हूँ, और बिना जांचे परखे ही किसी को पिटाई कर देते थे और गंदे तरीके से मारते, बंदूक के कूंदों से मारा, जो आज भी मेरे रीढ़ में दर्द देता है। मैं जेल गया, उस मेरे दिल में मैं बचपन मने मैं सोचता रहता था कि मैं जो जा रहा हूँ जेल, तो कितनी भयावह स्थिति होगी वहाँ, कैसे होंगे, क्या यहाँ पर हमें मारा है तो जेल में भी लोग हमें मारेंगे। और मैं उसकी दीवारें देखकर, कोर्ट ले जाया जाता है वहाँ भी, मने हम इतना डरे हुए थे कि काली भी, जब मैं कैदी बहन में था तो रोता था, है ना। तो हम वहाँ जाकर के अपनी बात को, मैंने उसकी दीवारें, जब मैंने पहली बार कोई जेल की यात्रा के पहले मैंने दीवारें देखती, उसके बड़े बड़े गेट देखते, तो हम थोड़ा भयभीत हो जाते हैं कि अंदर कितना कष्टकर होता, क्योंकि जेल नाम, भय में खुद में ही एक नया भय है और वो नाम से ही खौफ आ जाता है मन में। जब मैं गया तो देखा कि वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग, एकदम खूनखार टाइप के लोग रहते हैं, उसमें मेरे जैसा एक सीधा साधा इंसान, जो भले ही वैसे जगह रहता हो लेकिन क्लेम से मोहब्बत है, वो आदमी को बंदूक के जो खुलेआम हत्या करते हों उसके साथ सोना पड़ रहा है। रात भर मेरी किसी तरह दिन कटती है, डरता हूँ, भयभीत होता हूँ, उसकी दीवारें बार बार मुझे, मन लग रहा है कि कब मैं मर जाऊँगा, है ना, और कब, सिर्फ आंसू मेरे आँख में होते हैं। तो मैं उसको दर्द को लिखता हूँ और लोगों से पूछता हूँ कि देखिए मुझे क्यों मारा है, मैं तो कोई गलती नहीं किया, क्या सरकार हम को जानबूझकर इसे प्रताड़ित करती है। ये बताइए कि आपने कहा कि छापेमारी की गई थी हॉस्टल में, जी। और उसके बाद आप लोग को पकड़ करके जेल ले गया बेउर, तो ये छापेमारी किसी वजह से की गई होगी? जी जी, बार बार होता था कि वहाँ पर कोई भी अगर घटना अगल बगल सैदपुर के किनारे में हो जाता था तो पुलिस पे छापा मारती थी, क्योंकि होता है कि अगर कोई दूसरे जगह भी कांड हो जाते हैं लेकिन जो आदमी बदनाम है उसी को बदनाम कर दिया जाता है। लेकिन उस वक्त की ऐसी घटना नहीं थी, उस समय थे कि बिहार बंद था और वहाँ के एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके लिए पूरा बिहार में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने बंद करने का ऐलान कर दिया। तो सोचा कि अगर ऐसा बच्चे को अगर छापा मारे, और उसी दिन हुआ कि बगल वाले एक खेमनी चक जगह है वहाँ पर
भी बम ब्लास्ट हुआ था, बहुत सारे बम मिले थे, जिसके लिए सरकार को लगा कि यहीं से तो कोई कनेक्शन नहीं है। सरकार को दो मौके मिल गए, एक तो सैदपुर हॉस्टल के बच्चों पर लगा कि यही सब लोग वहाँ पर बम बनाता है, दूसरा बात ये लगा कि अगर ये बच्चे कल अगर बंद करेंगे तो सरकार की बदनामी होगी। इसलिए बच्चे मरने के शौक में जो बिहार दूसरे कुछ राजनीतिक विरोधी पार्टियों ने बंद करने का ऐलान किया, वहाँ से उस बच्चे का इस्तेमाल करते थे, है ना, जिसके वजह से यहाँ की सरकारी तंत्र ने सभी बच्चों को रात में ही छापा मारकर पकड़ने धरपकड़ करना शुरू कर दिया। उसी बीच में हम जैसे इंसान भी जो वहाँ के स्टूडेंट लीगल स्टूडेंट थे, हमको भी पकड़ कर ले गई थी। लेकिन सरकार ये जानना नहीं चाहिए कि किस बच्चे को पकड़े हो और किसको नहीं, जबकि मैं एक जीता हुआ प्रतिनिधि था, बच्चे को देखना मेरा काम था, मेरा हमको लोग वोट देकर जिताए थे, लेकिन ये नहीं सुनी और जिस तरीके से कुचलना चाहा, एक आतंकवादियों की तरह मारना चाहा, उस तरीके से मारा, है ना। आपने बताया कि इससे पहले आपने बताया कि आपको जेल ले आया, आपके आंखों में आंसू हुआ करते थे, तो फिर इसके आगे क्या हुआ, आपको ये बुक सैदपुर से बेउर लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे जेल में मिली, क्योंकि मैं जितना जेल से बाहर डर रहा था, दीवारों से बाहर जितना भयभीत हो रहा था, उतने अंदर ही जाकर मैं थोड़ा सा खुश मदद कर रहा था, क्योंकि हमारे को सीनियर भी पहले भी थे जो वहाँ के बहुत अच्छे लोग थे और काफ़ी कुछ धरपकड़ में गए थे, किसी कारणवश वो जेल में ही आए, तो वो मदद के लिए मेरे आ गए और मेरे शरीर पर उठा के, जैसे कोई गार्जियन देखता है अपने बच्चे को, उसी तरह से पुराने जो हमारे सीनियर पटना विश्वविद्यालय के ही सीनियर रहे हैं, वो राजनीतिक रूप से गए हों या किसी और कारण से, वहाँ पर जाके मैं जैसे जाते तो मेरे लिए गर्म पानी करवा आते हैं और मेरे एक जो चैन स्कैनिंग और जो करते हैं वो मेरे इलाके पूरे शरीर का मालिश करवाते हैं कि मेरे सीनियर हैं, ये जीते हुए प्रतिनिधि हैं, इनको तो हर तरह की सुविधाएं दी जाए। तब मुझे लगा कि वहाँ की जिंदगी के बारे में लिखेंगे कि आखिर ऐसी सुविधाएं तो हमें बाहर में भी नहीं मिलती है, लेकिन अंदर में मुझे तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही है, तो मुझे बड़ा खुशी होता था। लेकिन अंदर से मेरी माँ हमें पुकार रही थी कि मेरा बेटा जेल गया, लेकिन लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी, और अंदर में मैं देखता था कि जो आदमी भले ही खुश कितना भी हो, लेकिन अंदर से वो टूटा होता था। तभी मैंने सोचा कि मैं इस पे किताब लिखूंगा। एक मैंने टेररिस्टों के बीच में एक इंसान, आम इंसान का सोना जो कई हत्याएं कर आया है, उसी के बगल में मुझे रात गुजारनी है, वो भय जो मुझे डराती है, उसी की कहानी है सैदपुर से बेउर। आपके कहा जाता है कि जेल में जो है, जेल में भी दादागिरी चलती है, और जैसे कि आपने बताया कि आपको गर्म पानी से सेका गया, तो ये दादागिरी का ही एक पार्ट होता है। कहीं ना कहीं होता है, सीनियरों का तो एक तरह से होता है कि जब जूनियर बच्चे जाते हैं तो हमारे कोई पुराने होते तो उनको सब लोग जानते हैं, और पुराने जब नए बच्चे जाते हैं तो उनके तरह से जो है नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है, है ना। दूसरी बात है कि जो बच्चे जो चैन स्कैनिंग करते हैं, वो बच्चे जाकर अपनी अकाउंट को जानकारी देते हैं, और वैसे बच्चे जो हैं कहते हैं, मैंने पूछा कि क्या आप इतने दिन के लिए आएँ तो आपको दुख नहीं है, तो उसने सीधे बोला कि मेरा आना जाना तो लगा है, पहले तो आप 5 दिन में ही इतने डर गए, हम तो महीनों रहते हैं तो मुझे आनंद आता है क्योंकि लगता है कि मैं यहाँ महफूज हूँ, दूसरी जगह तो मैं मरा जाता, ये फीलिंग है उनके अंदर में। बूढ़े बुजुर्ग जो दोनों हाथ अपने घुटने पर रख कर जो चल रहे हैं, उनसे पूछा कि बाबा आप जो हैं आपको घर जाने की इच्छा नहीं होती है, तो बोला बाबू यहाँ से ज़्यादा मेरी स्थिति, क्योंकि मैंने भी जिंदगी में अपनी जवानी में बहुत ऐश किया, इसलिए मुझे अब रहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर भी जाऊँगा तो बेटा और पुतो हमें मारेगा, गाली देगा, इससे बढ़िया तो यही मेरा अच्छा है स्थल है। तो मैंने ये कहानी देखा, वहाँ भी नेशनल की बात देखी है, वहाँ भी आतंकवादी जो गांधी मैदान में ब्लास्ट हुए थे, उस कहानी में वो लोग जो बच्चे थे, कितना बड़ा कोई भी यहाँ का गुंडा अपराधी कोई भी है, लेकिन उस आतंकवादी को टेररिस्ट के नज़र से देखते थे, और सभी कितनों ना गुंडा हो लेकिन उसको कहते थे कि देखो जिहादी है, इधर से बोलता था, उसको गालियां देता था, तो कहता था कि वही कर्म तो तुम भी करके आए हो, तो बोलता था कि मैं कुछ भी हूँ लेकिन मैं राष्ट्रभक्त हूँ, वो शायद दूसरे देश से आकर के हमारे देश में गंदे काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि मैंने उस चीज़ को देखा है, बूढ़े जो बुजुर्गों को देखा है, बाढ़ में जो रंगदार बटे हुए हैं उसकी भावनाओं को मैंने लिखा है, कुछ बलात्कारियों के बारे में लिखा है, तो मैं बलात्कारियों से मैंने पूछा कि क्या इतने गंदे कृत्य करते हुए इतने छोटे छोटे बच्चों को शर्म नहीं आती है, तो उसने बताया कि जो औरतों को चीखने में मज़ा है ना, उतने ही मर्दों को मज़ा आता है। तब लगा कि दुनिया में ऐसे गंदे लोगों को नरक में भी भेज दिया जाए तो ऐसे लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है, इसलिए उसका वर्णन मैंने किया है एक साक्षात्कार के दौरान जी। तो मैंने इस चीज़ को मैंने देखा है, मुझे बहुत देखा, मुझे खैनी नहीं मिलती थी तो मैं बाहर से 50 रुपया देता था तो थोड़ी सी खैनी मिलती थी नशा पाने के लिए, नहीं कुछ बच्चे जो ऐसे थे तो जो काफ़ी नशीले थे तो छिपकली को मार करके उसके मैंने हड्डियों को पीस करके उसके गोली बनाकर उसके सूंघते थे चरस की तरह, क्योंकि नहीं पीते तो मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई साधन नहीं मिलता था। बच्चे जो हैं वहाँ पर कुछ ऐसे सातिराना लोग थे, क्योंकि डीडी नेशनल न्यूज़ चलती थी, उसमें कैसे लोग चिप लगा करके वहाँ पर अश्लील फिल्में देखकर हम खुद आनंदित होते थे, और लगता था कि ज़िंदगी में अगर थोड़ी सी मजा लेनी है तो जेल में गंदे काम करके ही लो, लड़कियां देखो तो उस पर नया तरह का कटाक्ष करो, मजा ले लो, क्योंकि इसके बाद तुमको दुखी झेलनी है, ये फीलिंग्स मेरे दिल में आती थी और मैं वो करता था। एक चीज़ बताएं कि जो लोग
मतलब जैसे आप जैसे स्टूडेंट थे, कम दिनों के लिए गए थे, तो वो भी उसी में जाकर रम जाते हैं। मतलब कह रहे थे कि एक ऐसा जेल होना चाहिए जहाँ कैटेगरीज होनी चाहिए कि अच्छे लोगों को अलग रखा जाए और जो मतलब अपराध की श्रेणी बटी होनी चाहिए, क्योंकि होता है कि उससे बच्चे होते हैं ना, और पुराने लोग चाहते हैं कि वैसे बच्चे आएंगे तो हम उसका ब्रेन बार बढ़िया से कर सकेंगे। वो सब बच्चे जल्दी फंस जाते हैं, क्योंकि जब जेल से बाहर आते हैं कहते हैं कि बाबू तुम बाहर की चीज़ों को मैं इसे कैसे भेजोगे, क्योंकि तुमको तो दिन तमाम तरह की सुविधाएँ मैंने दिया, वहाँ खाना देते हैं, पीना देते हैं, है ना, और उसको नशा का चीज़ उपलब्ध कराते हैं। तो उस चीज़ को बताने के लिए बच्चे को बहुत सारे जो छोटे छोटे उम्र के बच्चे जेल चल जाते हैं, उसे नया तरह का टेक्निकल दिमाग ब्रेन वॉश किया जाता है और वो चीज़ बाहर में आके एक बहुत बड़ा कांड करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके लिए बेहतर व्यवस्था की जाए। अगर छात्र जाएं तो गलत जगह जाए नहीं जाएं, और अच्छे जगह उनका चुनाव किया जाए, वो इसी जेल में नहीं जाएं, है ना। नहीं तो और बच्चे जो हैं ज़्यादा आक्रामक होकर निकलेंगे, क्योंकि बच्चे में इतनी सुविधा मिल जाती है एक सीनियर के नाम पर कि वो आदमी टेरर जो कहता है उसको, मैं ही कुछ बच्चे को देखा हूं, जब वो आए तो लगा दो ज़्यादा तीन चार लोगों को अगर हत्या भी कर देंगे तो क्या दिक्कत है, वहीं तो कुछ दिन के बाद तो निकल ही जानी है। तो ये दिमाग कहां से आता है, वहीं से आता है। तो मैं चाहता हूं कि वैसे बच्चे को वैसे लोगों के साथ नहीं किया जाए, नहीं तो आने वाले भविष्य के लिए जेल जाने वाले अच्छे बच्चे, जेल जाने वाले अच्छे स्टूडेंट और भी आक्रामक रूप में होंगे और बाहर आके वो डरेंगे नहीं। अंशुमान जी, रैड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मेरी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, शुक्रिया। तो ये थे सैदपुर से ब्यूर बुक के राइटर अंशुमान, जिन्होंने अपनी ही कथा व्यक्त की, ब्यूर जेल में क्या क्या होता है इस घटना का जिक्र किया है इस बुक में, और साथ ही इन्होंने कई ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया है जो रेपिस्ट और हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोपी रहे हैं। तो आप इस बुक को पढ़िए, और कहा जा रहा है जैसा कि इनका दावा है कि ये बुक जो है पटना बुक फेयर में तहलका मचाए हुए है और सबसे ज्यादा बिक्री। हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।